हेलो एवरीवन, आप सबका मास्टर जतन आर्ट चैनल में स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे बटरफ्लाइज। मैंने यहाँ पे पेजेस लिए हैं 21x21 सेंटीमीटर ईच के। आप जो चाहें उस साइज के पेपर्स ले सकते हैं। मैंने इसको दो ट्रायंगल्स की फॉर्म में फोल्ड कर दिया है। अब इसे हम हाफ में फोल्ड करेंगे। ये करने के बाद हमें दो ट्रायंगल्स मतलब ट्रायंगल्स चाहिए। उसके लिए हम इस तरीके से पेपर को फोल्ड करेंगे। अब हम एक एंड उठा के जो मेन अपर पॉइंट है वहां पे लेके जाएंगे और दूसरा भी, और फिर जो पीछे का पॉइंट है हम उसे उठाकर ऊपर लेके आएंगे और आगे लाकर फोल्ड कर देंगे। अब हम इनके जो एंड्स हैं उन्हें कट कर देंगे। आप चाहें तो इनके एंड्स कट नहीं भी कर सकते हैं, पर एंड्स कट करने पे ये बहुत सुंदर लगेगी। अब मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्कर से कुछ डिज़ाइंस बनाई हैं। आप जो चाहें वो डिज़ाइंस चूज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें फिनिशिंग के साथ काम करना होगा। मैंने इसके चारों जो एंड्स हैं उनको ब्लैक किया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस बनाई हैं ब्लैक मार्कर से। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम जो भी डिज़ाइन बनाए वो दोनों पंखों पर सेम होनी चाहिए। ये देखिए, अब मैं रेड स्केच का यूज़ कर रही हूँ। आप अपना फेवरेट कलर चूज़ कर सकते हैं। हमें इसे प्रॉपर क्लियरिटी देनी होगी। मैं रेड का यूज़ भी चारों पंखों पर कर रही हूँ। अब मैं वाइट कलर से कुछ डॉट्स बना रही हूँ।
मैंने जो डिज़ाइंस बनाई थी मैं उनको भी कलर करूँगी कुछ इस तरह से। ये बटरफ्लाई बनाना बहुत ही इजी है। आप चाहें तो अपने मनपसंद डिज़ाइन इस पे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे वाइट का यूज़ करके जो ब्लैक डॉट्स बनाए थे उनके ऊपर भी कुछ डिज़ाइंस किए हैं। अब मैं नीचे वाले एरिया पे भी रेड कलर करूँगी। कुछ इस तरह से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैंने नीचे कुछ और डॉट्स बनाए हैं और उनके ऊपर भी मैं कुछ वाइट डॉट्स भी बना रही हूँ। अब मैं साइड्स में कुछ स्पॉट्स बना रही हूँ ब्लैक कलर से। ये देखिए देखते ही देखते ये बहुत सुंदर बनती जा रही है। अब मैं वाइट कलर का यूज़ करके इस पे छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ। इससे ये बटरफ्लाई बहुत ही सुंदर लगेगी। बटरफ्लाई बनाने के साथ साथ उसे डेकोरेट करने पर वो बहुत सुंदर लगती है। आप भी डेकोरेट कीजिएगा। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं इसके एंटीनास के लिए कुछ ब्लैक पेपर का यूज़ कर रही हूँ। मैं इन्हें थोड़ा आगे से मोड़ रही हूँ। ऐसे। अब ग्लू का यूज़ करके हम इन्हें चिपकाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी बटरफ्लाई। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम बनाना सीखेंगे दूसरी तरीके की बटरफ्लाई। इसके लिए मैंने एक स्क्वायर शीट को दो हिस्सों में बांट दिया है। अब हम इसे एक फोल्ड करेंगे इस तरीके से। मैंने इसके दोनों एंड्स पे फोल्ड करके ट्रायंगल्स बनाए हैं। अब इन्हें हम हाफ में फोल्ड कर देंगे। और फिर फोल्ड किए हुए पार्ट को एक और बार उसको भी हाफ में फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे।
ये फोल्ड करने के बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हमें इसे जिगजैग टाइप की शेप देनी है। ये शेप देने के बाद अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर देंगे कुछ ऐसे। ये देखिए, ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इसके थोड़े पंख खोल देंगे। अब हम बटरफ्लाई के निचले पार्ट को बनाएंगे। उसके लिए जो हमने दूसरा पार्ट छोड़ा था उसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। उसे फोल्ड करने के बाद हमें इसे भी जिगजैग फॉर्म में फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। ये बटरफ्लाइज बनाना बहुत ही इजी है और अगर हम इन्हें वॉल डेकोरेशन के लिए यूज करें तो ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। हमें इसे इक्वली फोल्ड करना है। ये देखिए, इसे फोल्ड करने के बाद हम इसको हाफ में फोल्ड कर देंगे ऐसे। इसे फोल्ड करने के बाद हम ग्लू की हेल्प से इसे भी चिपका देंगे कुछ इस तरह से। और जो इसके दो एंड्स हैं उन दोनों को भी चिपका देंगे और दोनों पंख को जोड़ देंगे। ये देखिए, ये जोड़ने के बाद मैं एक स्ट्रिप की हेल्प से इसे जॉइन कर रही हूँ। ये करने के बाद देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं इसके एंटीनास बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज किया है। ब्लैक कलर के हेल्प से इसके एंटीनास तैयार करेंगे। ये बटरफ्लाई ट्यूटोरियल बहुत ही इजी है। मैं चाहूंगी कि आप इसे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी दूसरी बटरफ्लाई भी। थैंक यू।